जिन्ना को मार देता भगवान बन जाता कंट्री में। दाऊद इब्राहिम मिल जाए तो हम उसके एक पैर पे पैर रख को खींच दे। एक भी आदमी इस मुल्क में नहीं मारा गया। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इनको बुद्धि दे भगवान। ये गांधी की टीआरपी क्यों बढ़ा रहे हो? अरे भारी भीड़, कोई नहीं बचा सकता था भगत सिंह को। आपने कभी सोचा हम इस आदमी की क्यों इज्जत करते? अगर इन लोगों पर सुनकर आपने राय बनाई वैसे तो हिंदुस्तान का इतिहास सितारों से खाली नहीं है और ऐसे ऐसे सितारे हैं जिन्होंने न सिर्फ इस देश, इस समाज, बल्कि पूरी मानवता को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने कामों से, अपने विचारों से लगभग सभी जागृत मानसिकताओं को प्रभावित किया। अवेकेंड मेंटेलिटी सबको तो प्रभावित नहीं कर पाए। उनके साथ एक प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ जागृत मानसिकताओं को प्रभावित कर सकते हैं। बुद्ध, महावीर, दादू, नानक, रैदास, गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और न जाने कितने सारे लोग, और अंबेडकर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, अंबेडकर, गांधी, ये सब ऐसे व्यक्तित्व हैं कि इन पर सुनकर राय ना बनाए। अगर इन लोगों पर सुनकर आपने राय बनाई, जैसे मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, गांधी को इतना गाली देते इस लोग, इस देश में इतना लोग गाली देते, इतना, पर सर जब आप उस आदमी को पढ़ेंगे ना और समझेंगे, आज 2022 भारत एक राष्ट्र है, 1922 भारत राष्ट्र था ही नहीं, आज 2022 भारत एक राष्ट्र है, सशक्त राष्ट्र है, दुनिया में एक हस्ती है इस देश की, लेकिन राष्ट्र के नाम पर आज भी लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल है। आज जाति के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना आसान है, धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना आसान है, क्षेत्र के नाम पर इकट्ठा करना आसान है। 1920 का भारत, 2022 का भारत, भारत एक राष्ट्र है, सशक्त राष्ट्र है, और आज भारत के लोगों को नेशन के आधार पर एकत्र करना मुश्किल है। और 1920 मैं राष्ट्र था ही नहीं, मैंने कहा ना, आज आप लोगों को जाति के नाम पे इकट्ठा कर लेंगे, आज आप लोगों को धर्म के नाम पे इकट्ठा कर लेंगे, क्षेत्र के नाम पे इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन राष्ट्र के नाम पर। और जब उस आदमी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया, अरे भारी भीड़। उस बैकग्राउंड में जब अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग नरसंहार किया था, उस बैकग्राउंड में आप सोचो सर, बिना राष्ट्रवाद की धारणा के लोगों को बाहर बुलाना कितनी बड़ी उपलब्धि रही होगी इस व्यक्ति की। सर वो आम बात नहीं है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से इस देश में निवेदन करता हूं, खासकर अपने युवा मित्रों से निवेदन करता हूं, बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहें, फेसबुक यूनिवर्सिटी से दूर रहें, इन सब यूनिवर्सिटियों से दूर रहें। मैं आज बहुत ज्यादा समय तो आप लोगों का नहीं लूंगा, लेकिन मैं सीरीज बनाऊंगा, मैंने ये प्लान बना लिया है कि भारत की जितनी भी महान हस्तियां हैं, पहले भारत से ही शुरू करूंगा, उन पे मैं एक सीरीज बनाऊंगा, अंबेडकर, गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पूरी सीरीज। अब उसमें जो भी समय लगे, जब भी शुरू हो, नौजवान क्रांति के अगले हिस्से में यही कहानी चलेगी। नाथूराम गोडसे को मारना ही था, जिन्ना को मार दिया होता, जिन्ना को मार देता भगवान बन जाता कंट्री में, क्योंकि जिन्ना के बाद दूसरा कोई मुस्लिम लीडर उस मूवमेंट को चलाने वाला था ही नहीं, पाकिस्तान बनता ही नहीं। ओ सुबह
नहीं, वो भगत सिंह को गांधी जी की वजह से लटकाया गया ना, मारेंगे ना भगत सिंह को गांधी जी की वजह से लटकाया गया। प्रोटेस्ट किया, लेटर लिखा अरविंद, गांधी जी कोई नहीं बचा सकता था भगत सिंह को, इस देश के पूंजीपतियों ने लटकाया उस आदमी को, 1927 फिक्की पुरुषोत्तम दास ठाकुर, 1929 में डिप्रेशन हो गया, वो आदमी बन रहा था लेनिन दूसरा एशिया में, गांधी को गाली दे दो, वो जिंदा हो तो भी तुम्हें कुछ ना बोले कि बेटा दो और दे दो गांधी को गाली देकर तुम तोप बन रहे हो, दाऊद इब्राहिम को दो, जो बाबा जी गाली दिए थे गांधी जी को, मैं उनको अपने कई वीडियो में मैसेज भेजा हूं कि बाबा जी आपके घर में झाड़ू लगाएंगे, आप दाऊद इब्राहिम को गाली दो, कि दाऊद इब्राहिम मिल जाए तो हम उसके एक पैर पे पैर रख को खींच दें। गांधी जी को गाली देना, वो नहीं है तब तो खैर कोई खतरा ही नहीं, वो होते तो भी कुछ नहीं कहते, गाना गाने लगते, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इसको बुद्धि दे भगवान। आप पढ़ते को स्ट्रेस लेकर, पढ़ना है मुझे नहीं, समझना है। आप पहली गलती पता क्या करते हो, आप स्ट्रेस लेके काम करते, पढ़ना है, मैं नहीं कहता, आप किताबें इतनी प्यारी चीज है, इतनी, पर कब, जब आप उन्हें समझो। 1922 में 1920 गांधी जी की फोटो देखकर याद आ गया, अब अगर मैं सबकी फोटो देखकर आपको कहानी सुनाऊं तो ये तो चलता रहेगा, तो गांधी जी पे मैं मसले को खत्म करूंगा। 1920 में इस आदमी ने असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने अपने वॉइसरॉय से कहा कि मूवमेंट को रोको, ये गांधी की टीआरपी क्यों बढ़ा रहे हो, रोको मूवमेंट। रीडिंग वॉइसरॉय था, उसने कहा सर हम नहीं रोक सकते, बोले क्यों, बोले सर ये जो सत्याग्रही है ना, ये भजन गा रहे हैं सर सड़क पे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इनको बुद्धि दे भगवान। अब जो आदमी आपके लिए दुआ मांग रहा है, मैं आपके सामने गन लेके खड़ा हूं, आप कह रहे हो कि मालिक इसको सद्बुद्धि दे दे, तो अगर मेरे अंदर इंसान है तो मैं आपका पैर छू लूंगा तुरंत, मारने का सवाल ही नहीं उठता। आपने कभी सोचा हम इस आदमी की क्यों इज्जत करते हैं, इसलिए नहीं कि आदमी नंगा रहता था ना, वो बात नहीं है। फिर आप गांधी जी कपड़ा नहीं पहनते थे, ऐसे बहुत सारे लोग नहीं पहनते। 1922 में चौरी चौरा एक जगह है यूपी में, वहां का पुलिस स्टेशन जला दिया, पुलिस वालों को जला दिया, सरकार पे सीधा हमला, सरकार ने कहा मारेंगे इन लोगों को, खूब मारेंगे। वही घटना, सेम वही घटना 2010 में हुई, आदरणीय बाबा रामदेव रामलीला ग्राउंड में करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपको लड़ो, आपको हक है, आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, डेमोक्रेसी है, आप लड़ो। सरकार ने उन्हें आदेश दिया कि 12 बजे के बाद रामलीला ग्राउंड छोड़ देना। अब सरकार, हमें सरकार के आदेश, हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम सरकार से थोड़ी लड़ रहे हैं, हमें चले जाना चाहिए था, पर बाबा वो बात नहीं समझ पाए, आगे क्या हुआ कहने की जरूरत ही नहीं। लेकिन 1922 में उस आदमी को यह बात समझ में आई, उसने मूवमेंट को रोक दिया, उसे पता था मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर, सरकार बहुत मारेगी इनको, इतना मारेगी कि ये दोबारा आंदोलन पर आएंगे नहीं। तो जैसे ही चौरी चौरा का कांड हुआ, गांधी स्टॉप्स द मूवमेंट, खत्म कर दिया मूवमेंट, कहा आई डोंट हैव फेथ इन वायलेंस, मुझे हिंसा में विश्वास नहीं है। अरे सरकार ने कहा एक हफ्ता रख लो, बोले हाई नहीं, एक भी आदमी इस मुल्क में नहीं मारा गया, महान है वो आदमी, किसी का विरोध करो और वो तुम्हें मार ना पाए। मैसेज पढ़ो किसके लिए, मैसेज के लिए, message के लिए।